हे एवरीवन, आज हम केसर पिस्ता गारी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने 500 ग्राम मावा लिया है, 1/4 कप चने के आटा, 2 टेबलस्पून सूजी ली है, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून गरम दूध में हमने 1/2 टीस्पून केसर भिगोया है, 1.5 टीस्पून इलायची ली है, 1 कप पिस्ता लिया है, 1 पैन में घी लिया है और चने के आटा सेक लेंगे। सूजी भी सेक लेंगे। इसमें पिस्ता डाल के सेक लेंगे। इसे 10 सेकंड ही भुनना है। हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब हम मावा सेक लेंगे। और इसमें केसर वाला दूध मिलाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये सब ठंडा हो जाने के बाद इसमें चीनी मिलाएंगे। एक बोल में हम आटा लेंगे। इसमें घी मिलाएंगे। आटा और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जरूरत मुजब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर सॉफ्ट आटा गूंदना है। जैसे रोटी के आटा हम गूंदते हैं, अब आटे को ढककर 20 मिनट रेस्ट टाइम देना है। मावा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब ये पिस्ता और मावा अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसमें इलायची डालिए। अब इसमें चीनी डालकर सब अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हम गारी को शेप देंगे।
इसी तरह सब गारी हम रेडी कर लेंगे। अब हमारा आटा भी तैयार है और इसे छोटे पीस में तोड़ लेंगे और सब लोइयां तैयार कर लेंगे। अब हम पूरी बेलेंगे, इसे पतला बेलना है। अब स्टफिंग का पीस रखेंगे। अब ये पूरी को चारों तरफ से उठाएंगे और स्टफिंग को बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे, इसे दबा के हम बंद कर देंगे। अब ये गारी तैयार हो गई है। सारी गारी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब घारी तलने के लिए घी गरम करेंगे। लो हीट पर सब घारी तलना है। हमें एक चारा लेना है, इस पर घारी रखकर ऊपर घी डालेंगे। इस तरह से गरम घी को डाल के फ्राई करना है। अब हम गारी के लिए आइसिंग रेडी करेंगे। हमारे घर में घी से ज़्यादा आइसिंग पसंद है। अब गारी पर आइसिंग लगाएंगे। अब पिस्ता और केसर से सजाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें।